चार पाँच महीने से वेतन रुका हुआ है। अब इतने महीने से लोगों को क्या नाम है पैसा नहीं मिला, उनके भूखे मरने की नौबत आ रही है। और ये केवल एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, यहाँ पर केवल मार्शल हैं लेकिन ये पूरे दिल्ली के ऑल सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है ना, और जो मार्शल में होमगार्ड लग रहे हैं उनका भी यही हाल है। केजरीवाल ने तो लॉलीपॉप दे दी, हमारे हाथ में थमा दिया है, लोगों को लॉलीपॉप दे के फ्री कर दिया है और कहते हैं कि बिजली बिल माफ है, और बिजली बिल तो हमारा 10,000 रुपये आ रहा है, लोगों को लूट लिया है केजरीवाल ने। तो आपकी क्या मांग है यहाँ पर आने की? हमारे चार महीने से ये मार्शल DTC मार्शल के वेतन नहीं दे रहे, इसलिए हम अपना वेतन मांग रहे हैं। चार महीने से नहीं दिया, हमारे बाप बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब है, पति मेरे 2014 से बीमार है, मैं अकेली कमाने वाली, मेरे पास कोई चारा नहीं है जो भी। पर आने की सबसे पहली मांग है लोगों का, चार पाँच महीने से वेतन रुका हुआ है। सबसे पहली बात तो ये वेतन भी नहीं है, ये भत्ता रूपी मिलता है, दैनिक भत्ता जो महीने पे मिलता है, जैसे जैसे उन्होंने मेहनताना करा, ठीक है, एक दिन का उसका मिलेगा भत्ता, लेकिन चार पाँच महीने होने जा रहे हैं, ना तो इन्होंने कोई वेतन दिया, ठीक है, वो भत्ता दिया, ना ही कोई इनकी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई है कि आगे भी देंगे, कोई आश्वासन नहीं, कोई इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। और फिलहाल तो पहली बात ये, और दूसरी तरफ ये हटाने की भी बात कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए और बिना क्या नाम इनका वेतन दिए हटाया जाए, ऐसा भी वो सुनने में आ रहा है, ठीक है। अब इतने महीने से लोगों को क्या नाम है पैसा नहीं मिला, उनके भूखे मरने की नौबत आ रही है। इस बात पे पर्दा डालना चाहते हैं आप सबको हटाने के कारण? देखिए ऑफिशियली अभी ऐसा नहीं है लेकिन पूरे यही जोर चल रहा है, ठीक है, LG ने अपनी तरफ से क्या नाम है रोक दिया कि जब तक मेरी सहमति ना हो ये इनको वेतन ना दिया जाए, ठीक है। अब ये LG अपनी तरफ से कुछ ये बात भी कह रहे हैं कि ये इनको नौकरी पे रखने लायक नहीं है, इसको दिल्ली सरकार ने अपने रिश्तेदारों को और विधायकों के अपने रिश्तेदार भर्ती कराएं, इनको क्या नाम हटाओ, इस तरह की बातें चल रही हैं। लोग यहाँ पे 2015 से कर रहे हैं, अगर इनको किसी तरह की कोई गलती नज़र आ रही थी तो ये पहले इस काम को कर लेते, यहाँ पर 9-10 साल होने जा रहे हैं लोगों को, अब जा करके इनको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है। भाई सबसे पहला संदेश ये है, जो इनका मेहनताना है लोगों का, सबसे पहले वो मेहनताना दिया जाए, ये और जो ये जो कार्रवाई करना चाह रहे हैं जिस तरह की ये खबर सुनाई आ रही है उसकी पुष्टि करें कि ये किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो वो भी आश्वासन या लिखित में दे दे कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और ये केवल एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, यहाँ पर केवल मार्शल हैं लेकिन ये पूरे दिल्ली के ऑल सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है ना, और जो मार्शल में होमगार्ड लग रहे हैं उनका भी यही हाल है, ये सबका ये ऐसा ये पहली बार हुआ है। और ये अपनी तरफ से कोई आश्वासन ना दे रहा, ना कोई लिखित रूप में, ना कोई सामने तक आकर के कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या लगता है आपकी मांगे कब पूरी होने वाली है? देखिए हमें कोई पता नहीं है, ये कोई पहला ये क्या नाम है धरना प्रदर्शन नहीं है, हमने इससे पहले निजी लेवल पे पहले इनको बहुत क्या नाम है एप्लीकेशन दी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, और ये हमने और भी ये क्या नाम है दवाया तो तब जाएगा जब सामने से आए, सुनवाई नहीं हो रही, कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर छोटे मोटे लेवल पे भी क्या नाम है धरने प्रदर्शन, अभी कुछ दिन पहले की वीडियो आई है, जैसे वो श्रीनिवासपुरी डिपो है वहाँ पर ऐसा कोई लिखित ऑर्डर नहीं है कि ड्यूटी ना दी जाए, वहाँ पर ड्यूटी देने से ही मना कर दिया, हम किसी को ड्यूटी नहीं दे रहे, ना तो पैसा है ना ड्यूटी है ना कोई ये पुष्टि है कि इनका हम क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कुछ पुष्टि नहीं है। आपको क्या लगता है कब तक आपकी मांगें पूरी होने वाली हैं? हमें कोई पता नहीं चल रहा है कब तक होगी हमारी मांगे पूरी, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं इस समय। तो हम आए अपनी सैलरी के चक्कर में आए हुए, हम परेशान हैं चार पाँच महीनों से,
हमारी सैलरी नहीं आ रही है, ना एलजी साहब कुछ कर रहे हैं, इतनी देर से कोई भी आ नहीं रहा हमें बोलने बताने के लिए कि तुम्हारी सैलरी कब तक आएगी, कोई भी नहीं आया अभी तक हमारे सामने यहाँ पे। हमारी सैलरी की मांग है, 5 महीने सैलरी नहीं आ रही हमारी। तो क्या लगता है आपकी कब मांगे पूरी होने वाली है? पता नहीं कब तक, जब तक नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। दी जाएगी जो हमने मेहनत ही कमाई है, सैलरी तो दी जाएगी हमारी। तो मतलब क्या सरकार अपनी जेब भर रही है आप लोगों के मजदूरों गरीबों के पैसे खा के? सरकार का जेब भर रही है अपने, सरकार जेब भरने लग रही है। 4 महीने हो गए, 4 महीने का हमारा वेतन नहीं मिला। हमारे बालक बच्चे, हमारे माता पिता है, किराएदार भी है, तो वो भी देखना पड़ता है। तो केजरीवाल तो बोले अपने देश को नंबर वन बना के छोड़ेंगे, ऐसे नंबर वन बनाएंगे अपने देश को? केजरीवाल ने तो लॉलीपॉप दे दी, हमारे हाथ में थमा दिया है। लोगों के पैसे खा खा के यहाँ पर सब नंबर वन बनाएंगे देश को, लोगों को बेरोजगार करके? लोगों को लूट लिया है केजरीवाल ने, एक लॉलीपॉप दे के सब कुछ फ्री कर दिया है। क्या फ्री कर रहे हैं लोगों को? आप लोगों की सैलरी खा के फ्री कर रहे हो? लोगों को लॉलीपॉप दे के फ्री कर दिया है और कहते हैं कि बिजली बिल माफ है, और बिजली बिल तो हमारा 10,000 रुपये आ रहा है, और 3 महीने से हमने बिजली बिल नहीं भरा, जिसके कारण हमारी बिजली कट चुकी है। मकान मालिक किराया भाड़ा मांग रहा है, घर से निकालने की बात कर रहा है, बाइकें बिकी, हमारी गाड़ियाँ बिकी, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, 4 महीने हम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा दुखी। जो फ्री का चकमा दे रहे, पैसे कहाँ से ला रहे फ्री करने के? वो तो केजरीवाल ही जाने कहाँ से पैसे ला रहा है, लूट रहा है एक तरह का, ये हमारे देश को बर्बाद करने लग रहा है।